Coward. Cow means guy. Pahli school hai. Dunur hai. Camera man hai. Dunur. Kutawur. Dan kutawur. चलो तो देख के डर लग रहा है, पानी इतना तेज लहर है। तो सचिन कहाँ गया? पानी के लेके गए उसके पापा, वहाँ उसको लेके गए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज अभी हम लोग आए हुए हैं पूरी के सी बीच पे, गोल्डन बीच है ये। और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत मस्ती किया, बहुत देर तक हमने समुद्र में नहाया और मस्ती भी किया। और इधर ऊँट और घोड़ा की सवारी भी करवा रही थी, तो हमने ऊँट की भी सवारी की थी। बट उस टाइम का वीडियो क्लिप मेरे पास नहीं है, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, क्या पता नहीं। और मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि लहर इतनी तेज़ चल रही थी कि लहरों के आवाज़ के कारण मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी, और बहुत सारे लोग भी थे उनकी आवाज़ भी डिस्टर्ब कर रही थी। तो देखिए, यहाँ सानवी को मैं पानी से निकाल के कुछ देर के लिए यहाँ बाहर लेकर आई हूँ, क्योंकि वो तो पानी से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भी ज़बरदस्ती मैं उसे बाहर ले आई हूँ और ले आकर उसे कुछ देर बैठाई हूँ। और यहाँ बाकी मेरे हस्बैंड लोग सब मस्ती कर रहे हैं और मैं थोड़ा सा शूट करने में लग गई थी, क्योंकि एक साथ सब लोग नहाते तो फिर शूट कौन करता है। इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप ले ली हूँ ताकि आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ, आप लोग को दिखा सकूँ। तो वो देखिए, ग्रीन टाइप का टी शर्ट पहने हुए हैं मेरे हस्बैंड, और ऑरेंज टाइप का टॉप में है मेरी सिस्टर, और सचिन भी है साथ में। तो वो ना बहुत डर रही थी, बोल रही थी कि मेरा हाथ मत छोड़िएगा, वो सचिन का या फिर मेरे हस्बैंड का हाथ एकदम एनी टाइम पकड़ के रख रही थी, क्योंकि वो पहले भी एक बार पूरी आ चुकी है और समुद्र में नहा चुकी है। तो बोलती है कि बैलेंस नहीं रखने पर खुद पर ना पानी बहुत दूर तक बहा कर ले जाता है, तो मुझे बहुत डर लगता है। इसलिए इस बार वो बहुत ही मतलब सचेत थी, बोल रही थी बार बार कि मेरा हाथ पकड़ के रखो। तो शूट तो हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि शूट करने के चक्कर में मस्ती कम पड़ जा रही थी, इसलिए हमने जो शूट किया बस शूट किया थोड़ा सा, और उसके बाद हमने अच्छे अच्छे पिक लिए, फोटो लिए, वो सब मैं इसमें ऐड कर दी हूँ और आप लोग थोड़ा देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। क्योंकि अगर शूट करती तो शूट करने के चक्कर में कोई एक शूट करता तो बाकी मस्ती कर पाते, बाकी कोई एक शूट करता तो बाकी मस्ती कर, मतलब कोई एक मिस हो जाता, छूट जाता। इसलिए हम लोगों ने कैमरा मोबाइल इधर साइड में कर दिया और मस्ती करना शुरू कर दिया था। तो जो पिक हम लोगों ने बाद में लिए थे वो समय इसमें ऐड कर दे रही हूँ। देखिए, एंजॉय करिए, मेरे ब्लॉग पर बने रहिए, और वीडियो को जरूर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को जरूर अच्छा लगेगा। अभी बीच से आ रहे हैं नहा के, पूरी बीच से, और घर में आकर फिर वापस नहाए, शैम्पू करना पड़ा क्योंकि सब पूरा बालू भर गया था, बाल में भी और पूरा कपड़े में भी। तो सारे कपड़े अभी भीगे हुए हैं, सबके सूखने सुखाने का भी इंतजाम नहीं है, कैसे क्या होगा, सबका दो दो से अच्छे भीगा हुआ है कपड़ा। तो ये मैं कल वाला कपड़ा ऐसे ही रख ली थी, तो मैं वापस इसे पहन ली हूँ। और अभी जाना है हम लोग को खाना खाने, तो आज हम लोग होटल में खाना नहीं खा रहे हैं, सोच रहे हैं बाहर जाकर ही खाना खा लें। तो बस आज तीन बार मैं शैम्पू, मतलब मेरा सर में तीन बार पानी देना पड़ गया, पता नहीं आगे क्या सर्दी खांसी लगेगा मुझे, क्या होगा। सुबह नहा के शैम्पू करके पूजा करने गई वहाँ पूरी मंदिर, जगन्नाथ मंदिर में। और वहाँ से आने के बाद बीच पर नहाई तो पूरा भीगी, और बीच से घर आने के बाद वापस शैम्पू करना पड़ गया हम लोगों को। अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस खाना खाने, और जब तक बीच पर थे धूप नहीं था, और अभी देखिए धूप आ गई है, बहुत अच्छा मौसम किए हुए था आज, मैं खुश हो गया, ठंडा ठंडा खाना खाएंगे। बहुत जोर की भूख लग गई है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 3:17 हो रहा है, जाते जाते और भी 3:30 हो जाएगा हम लोग का। गाइज हम लोग यहाँ खाना शुरू कर दिए हैं, और सानवी को मैं खिला देती हूँ रोज़ अपने में से ही, तो यहाँ मैं शुरू कर चुकी हूँ, उसे खिला रही हूँ। तो खाने में था चावल, दाल और आलू का भुजिया था, आलू फूल गोभी का सब्जी था, पापड़ अचार और पटल आलू का सब्जी भी था। तो बस हम लोग यहाँ भी खा रहे हैं,
और खाने के बाद हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करके फिर वापस निकल जाते हैं बीच की ओर, क्योंकि मौसम थोड़ा नरम नरम जैसा किए हुए था, बहुत तेज धूप भी नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। तो हम लोग खाने के बाद बीच पर वापस गए थे। यहाँ आने के बाद हम लोगों ने देखा कि मतलब अभी धूप था ही, फिर भी इसी टाइम से बाजार लगाना शुरू कर दिया था और कुछ कुछ सामान ये सब बेच रहा था। तो बस हम लोगों ने देखा, कुछ पसंद आया तो एक दो सामान ली भी। उसके बाद होटल वापस आके हम लोगों ने टाइम पास किया और गेम खेलना स्टार्ट किया, मस्ती किया, बहुत अच्छा लग रहा था। तो इंजॉय करिए आप लोग भी हमारी मस्ती। नीलू नीलू वीडियो है यहाँ पर। वीडियो क्या बना रहे हैं? तो बोलो चलो। ए मुक्का खेल रहे हैं, मुक्का खाए मार। नहीं ये मुक्का ये पहले मारा। कौन सा क्या मारता है? तुम भी मार। पहले मुक्का लगा था। मुक्का हम ही दिया था इधर। गेम पूरा कीजिए। गेम पूरा करो। नहीं चमक रहा। हम कुत्ता बोले थे। हाँ दीप जाएगा। नहीं हम तोता सुने। हम बोले क्या? अच्छा तुम अच्छा कैंसिल 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 कैंसिल। चलो कुत्ता उठ, गधा उठ, सुअर उठ, बिल्लू उठ, बाज उठ, सर भांस उठ, भांस भांस ती काने उड़ा ले, ती काने उड़ा ले, ती काने बोलो कौन मारा? उमर कैमरा वाले देख लेना। इनको हम बुलाए लेकिन मारे हम मार दिए। इनको आने में आवाज कर दिया था। ले मारो। हम मार नहीं है, रुको अभी। ऐसा नहीं होता। गाइस गेम खेल के हम लोगों ने बहुत मस्ती की, बहुत मजा आया। उसके बाद रात हो चुकी थी तो हम लोग यहाँ डिनर करने के लिए बाहर आए हैं। तो सानवी को मन था चाउमीन खाने का, तो उसके लिए हम लोगों ने वेज चाउमीन ऑर्डर कर दिया और हम लोग वेट कर रहे हैं खाने का। देखिए खाना आ भी चुका है और खाने में था मंचूरियन और रोटी और मशरूम की सब्जी भी थी साथ में। तो गाइज आज का वीडियो इतना ही रखती हूँ, कल फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।